हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी फैशन डिजाइनर। फ्रेंड्स, आप सभी का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सादा ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। तो सादा ब्लाउज की कटिंग करने का क्या सही तरीका होता है, किस तरह से हम इसकी कटिंग करते हैं, तो फ्रेंड्स जिस तरह से हम आपको बताएंगे शायद ही किसी ने आपको इस तरह से बताया होगा। इसमें हम आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से इसकी कटिंग समझ में आ जाएगी। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। और फ्रेंड्स, जैसे आपने हमारे चैनल एलटी फैशन डिजाइनर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल एलटी फैशन डिजाइनर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी ऑन कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है। कपड़ा लेने के बाद दोस्तों इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो 14 इंच इसकी लंबाई है और इसका शोल्डर है 14 इंच, क्योंकि हमने इसका बॉडी का मेजरमेंट किया हुआ है। तो इस तरह से हमने इसका जो शोल्डर नापा हुआ है वो 14 इंच है और इसका जो सीना है वो 34 इंच है, कमर इसकी 30 इंच है और बाजू की लंबाई है 5 इंच और बाजू की जो मौरी रखेंगे वो रखेंगे 10 इंच। तो इस तरह से ये कपड़ा लेने के बाद इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। किस तरह से हमें इसको बिछाना है चलिए वो देखते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है, तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करके बिछाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हम कटिंग कर रहे हैं वो एक एक पार्ट करके दिखा रहे हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। नहीं तो हम इसके दोनों पार्ट एक साथ में भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है, यानी जो सीधा वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ है, मार्किंग उल्टे हिस्से पर होगी। हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे हमने ब्लाउज का या सूट का बॉडी से मेजरमेंट किया हुआ है तो उसमें हमें थोड़ा सा चेंजिंग करना होता है। और जैसे हमने ब्लाउज से ब्लाउज का नाप लेकर इसकी कटिंग कर रहे हैं तो हमारी थोड़ी सी अलग तरह से होती है। तो आप किस हिसाब से करेंगे, हम दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो में बता देंगे किस तरह से हमें कहाँ चेंजिंग करनी होती है। तो इस पर हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको सीधा करेंगे कपड़े को, तो एक मार्क हम ऊपर से लगाएंगे इस तरह से, लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 14 इंच, तो इस तरह से हम 14 इंच पर रखेंगे, प्लस आधा इंच का मार्जिन हमें और लेना होता है क्योंकि हम इसकी कंधी को जोड़ेंगे तो उसमें हमारा चला जाता है। तो इस तरह से हम 14.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें नीचे मार्जिन रखना होता है क्योंकि हम इसको लौट कर तुरपाई करते हैं, तो इसमें हम जो मार्जिन रखेंगे वो 1.5 इंच रखेंगे। अब जैसे हमने शोल्डर का जो माप किया हुआ था वो बॉडी से किया हुआ था, तो बॉडी के हिसाब से जो हमारा शोल्डर है वो 14 इंच है, लेकिन हम इसमें वैसे हमारे जो शर्ट में कटिंग होती है शोल्डर का हाफ करके हम कटिंग कर लेते हैं, लेकिन इसमें हमारे थोड़ा सा अलग होता है फार्मूला क्योंकि इसमें हम गोल गला बनाएंगे और जैसे हम इसमें कॉलर वाला गला बनाते हैं तो हमारा तरीका अलग होता है। तो इसमें हमें गोल गला बनाना है, तो शोल्डर इसका 14 इंच है तो 14 का हाफ करके हम इसमें नहीं लगाएंगे। यदि हम इसका हाफ करके लगा देंगे तो हमारा ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसके हमारी कंधे उतरने लगेंगे और गला भी हमारा फैल जाएगा। तो किस हिसाब से करते हैं, तो जब भी हम ब्लाउज में या सूट में मार्क करेंगे शोल्डर का, जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे हम 10 इंच पर, तो 10 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से 5.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे और दोस्तों यहाँ से लेकर हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे 2.5 इंच का, ये हमारा गले का मार्क है। अब इसमें हम आरमोल का निशान लगाएंगे, तो आरमोल का निशान भी हमारा अलग तरीके से लगाया जाता है। शर्ट में और कुर्ते में हम जो आरमोल का मार्क करते हैं तो उसका चेस्ट का 4th मार्क करके लगाते हैं, तो जैसे और ब्लाउज में और लेडीज शूट में हमारा आरमोल का निशान लगाने का तरीका अलग होता है। तो जैसे आपका चेस्ट 32 इंच 34 इंच है तो उसमें आप 6 इंच पर मार्क करेंगे और 34 इंच से लेके 38 इंच तक है तो आप 6.5 इंच से लेके 7.5 इंच तक लगाएंगे, और जैसे इससे बड़ा है तो आप उसी हिसाब से आरमोल को बढ़ा कर सकते हैं। और कॉलर वाले शूट की या कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारा तरीका थोड़ा अलग होता है, तो किसी और वीडियो में हम वो भी आपको बताएंगे। तो इसमें हम मार्क करेंगे यहाँ पर
6 इंच पर। इसकी हम कंधी डाउन करेंगे तो इसकी जो हम कंधी है वो हाफ इंच डाउन करते हैं, आधा इंच। और यहाँ पर हमें कोई स्लीव नहीं देनी होती है क्योंकि लेडीज़ का जो चेस्ट है वो उभरा हुआ होता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कोई भी स्लीव नहीं देनी होती है। अब चेस्ट का मार्क करेंगे तो इसका चेस्ट है 34 इंच, तो 34 का फोर्थ मार्क करेंगे तो हमारा हुआ 8.5 इंच। अब दोस्तों हम आपको ये बता देते हैं, जैसे आपने बॉडी का मेजरमेंट किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 34 का फोर्थ मार्क करके निशान लगाएंगे, प्लस इसमें हम हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें बॉडी का मेजरमेंट किया हुआ है। और जैसे हमने सूट का नाप लिया है तो हम उसमें क्या करेंगे, जितना भी हमारा सूट से चेस्ट आ रहा है उसका फोर्थ मार्क करके निशान लगा लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा निशान ज़्यादा लगा लेते हैं बॉडी के मेजरमेंट में। अब इसमें हम शेप दे देंगे, तो यहाँ से हम इस तरह से राउंड बनाएंगे और यहाँ पर हम इस तरह शेप दे देंगे। अब इसमें डट का निशान लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ से लेकर कंधी से और यहाँ पर 9 इंच पर डट का निशान लगाएंगे और यहाँ से साइड से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। एक डट का निशान हमारा ये हो गया है। अब दूसरी डट हम किस तरह से लगाएंगे, तो यहाँ से हम इस तरह से इसको रखेंगे क्रॉस में, 2 इंच की गैपिंग रखेंगे और क्रॉस में हम एक मार्क इस तरह से कर लेंगे, फिर हम इस तरह से रखेंगे क्रॉस में 2 इंच की गैपिंग से और इस तरह से मार्क करेंगे। ये वाला मार्क और ये वाला मार्क आपका बिल्कुल सेंटर पर आना चाहिए और इस वाले मार्क से भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 2 इंच का मार्क कर देंगे। ये वाला मार्क और ये वाला हमारा सेंटर से आना चाहिए और इस तरह से हम इसको मिला लेते हैं, यहाँ पर भी हमारी डट पड़ जाती है। तो इन मार्कों को हमें सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो जाती है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहां पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं, तो यहां पर आप 2 इंच से लेके 2.5 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, जैसे हमारा किसी कारण से ये छोटा हो जाए तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सामने के पल्ले को कट कर लिया है। अब दोस्तों हम बैक के पार्ट को कट करेंगे, तो इस तरह से ये हमारा कपड़ा बिछा हुआ है, इसको हम ऊपर की तरफ इस तरह से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद दोस्तों इसी तरीके से हमारा ये बैक का पार्ट बिछा हुआ है, जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट का बिछाया हुआ था कपड़ा। अब दोस्तों जो हमने सामने का पल्ला कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछा देंगे। आपको इस तरह से बिल्कुल ऊपर से मिलाकर रखना है, इसकी कोई हमारी बैग बड़ी नहीं करती है, बराबर कटते हैं दोनों पार्ट। तो इस तरह से यहाँ से हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। अब बैग का मार्क करेंगे तो इसका जो बैग है हमें वो यहाँ से मार्क करेंगे, हम 1/2 इंच से लेके 1/4 इंच तक मार्क कर लेंगे क्योंकि का जो हमारा आर्मोल है वो बड़ा होता है सामने के पार्ट से। तो हम इसमें शेप दे देंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम इसमें शेप दे देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से बैक की और फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। दोस्तों हमें क्या करना है, इन डटों को उठाना है, तो इस तरह से हम यहाँ पर हल्का सा मार्क कर लेंगे जिससे हमारा दूसरे पार्ट में भी मार्क उठ जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों हम बाजू की कटिंग करेंगे, तो बाजू की कटिंग करने से पहले हम इसका एक बार आर्मोल नाप लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें बाजू में ऊपर की तरफ कितना राउंड रखना है। तो यहाँ से हम इस तरह से एक बार नाप कर देख लेते हैं। अब दोस्तों इसकी जितनी भी कमर है आपको यहाँ पर लिख देना है। अब बाजू की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को बिछाएंगे, तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हम क्या करेंगे, इस साइड से निकालेंगे। तो इस तरह से हम इसको डबल करेंगे, तो
इस तरह से हम इस कपड़े को डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद दोस्तों एक बार हम इसको और फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो दोनों बाजू हैं वो एक साथ में कट होती हैं। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। बिछाने के बाद दोस्तों इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो नीचे इसका हम बॉटम जब फोल्ड करेंगे तो बॉटम में हमारी तुरपाई होती है, जितना हमने फ्रंट के पार्ट में रखा हुआ था तो उतना ही मार्जिन लेकर हम इसमें मार्क कर लेंगे। तो 1.5 इंच का हमने इसमें निशान लगाया हुआ है और इस तरह से हमने सीधा कर दिया है। अब बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे, तो बाजू की जो लंबाई है वो 5 इंच है और प्लस 1/2 इंच का मार्जिन हम इसमें और ले लेंगे, क्योंकि बाजू को अटैच करेंगे तो हमारा उसमें चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसको घुमा कर रख लेते हैं, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस वाले मार्क को भी हम सीधा कर लेते हैं। अब दोस्तों आर्मोल का मार्क करते हैं। तो आर्मोल का मार्क जैसे हमने नापा हुआ था उस हिसाब से भी आप इस तरह से सीधा लगा सकते हैं, नहीं तो हम आपको